हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे ये किए थे कि मैम असाइनमेंट बनाना है, आपने ये बता दिया कैसे बनाना है। अब ये बता दीजिए कि फ्रंट पेज को कैसे रखना है, कवर पेज को कैसे रखना है। जैसे बोला भी जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही बात आ जाती है कि अगर आपका फर्स्ट पेज ही उस तरह का अट्रैक्टिव नहीं है, या फिर हम ये बोले कि आपने जो अंदर में उसको मटेरियल दिया है या जैसा असाइनमेंट बनाया है वो जो है आपके फर्स्ट पेज में नहीं झलक रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है असाइनमेंट कमी रह जाती है असाइनमेंट में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि फर्स्ट पेज को क्यों स्पेशल माना जाता है और क्यों उसको डेकोरेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो उसमें रखना बहुत जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाया जा रहा है एंड साथ ही साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल या मैसेज करना है। अवध यूनिवर्सिटी का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास सेकेंड बैच स्टार्ट हुआ है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कॉल या मैसेज करना है। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कवर पेज की, फ्रंट पेज की, जिसको हम फ्रंट पेज कवर पेज से जानते हैं असाइनमेंट का। तो ये कैसा होना चाहिए, आप में अपने स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये दो जो है डिजाइन मैं आप लोगों के लिए लाई हुई, बहुत ही सिंपल इजी एंड फेमस डिजाइन है। और ये आपको पहले अपने फर्स्ट पेज में A4 साइज के ही पेज में बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, उसमें आपको ये डिजाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो, तो कीजिए, चाहे आप अपने से कोई डिजाइन कीजिए, बट एक बॉर्डर जो है ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पेज के बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे। आप जैसा भी डिजाइन सिलेक्ट कीजिए आपके ऊपर है, लेकिन बॉर्डर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाइए। ठीक है, ये पहला लेसन हुआ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिजाइन आपको बॉर्डर के लिए दिए हुए हैं, आप ये स्टार वाला डिजाइन बना सकते हो, ये हार्ट शेप है, फिर इस तरह से है, तो आप इसमें से कोई भी एक डिजाइन आप अपने बॉर्डर में डाल सकते हो। उसके बाद से कौन जो है हमारे लिए, इसके बाद का स्टेप क्या होता है हमारे कवर पेज को सही बनाने के लिए या एनहेंस करने के लिए, उसमें क्या लिखना है मटेरियल, उसमें लिखना क्या, इंस्ट्रक्शंस क्या होने चाहिए। तो देखिए, दो तीन चीजें आप कर सकते हैं। इधर में आप देख सकते हो, यहाँ पे लोगो आप अपने कॉलेज का जो है वो डाल सकते हो, कॉलेज का पिक्चर लगा सकते हो यहाँ पर, फिर उसके बाद जो एड्रेस है वो लिखना है, फिर आपका जो है जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो स्कूल का है, जो कॉलेज का है, वही लिखना है। फिर उसके बाद असाइनमेंट नेम, जैसे मान लीजिए आपने आप चाइल्डहुड का बनाया हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, फिर आपका अपना नाम लिखना है, आपके क्लास को लिखना है, डेट लिखना है, सबमिटेड टू, किसको आप सबमिट कर रहे हो, अपने टीचर का नाम उनको लिखना है। तो असाइनमेंट नेम में जो है आप जो चाइल्डहुड या जिसका बना रहे हो वो आपको लिखना है। तो सेकेंड, पहला इंपॉर्टेंट थिंग आपको करना क्या है, A4 साइज लेना है, उसमें बॉर्डर ड्रॉ करना है, डिजाइन अपने हिसाब सेलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद जो इंफॉर्मेशन उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है वो आपको उसमें लिखना है, वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ देखिए आप, हाँ ये एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हो, ये जो है एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ, बच्चे ने अपने हाथ से ये ड्रॉ डिजाइन किया, आप देख सकते हो A4 साइज का है, फ्रंट पेज है असाइनमेंट का। ठीक है, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन लिखना है आपको वो लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद का कोई ज्यादा खास काम फ्रंट पेज में नहीं रह जाता, यही है यहाँ पे इग्नो इग्नो जो है अपना फॉर्मेट देता है, उस फॉर्मेट को आपको लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए इग्नो का मैं अलग से लाई हूँ। इग्नो में ज्यादा ड्राइंग ये सब नहीं चाहिए, इग्नो का ये फॉर्मेट होता है, ये आपको यहाँ पे लगाना होता है। इग्नो के स्टूडेंट जो भी होंगे वो ये फॉर्मेट लगाएंगे। ठीक है, डेट लास्ट में डाल दिया गया है। ये देखिए सुंदरवन बीएड कॉलेज का असाइनमेंट है, बच्चे ने कितने अच्छे से स्कूल का यहाँ पे कॉलेज का पिक्चर लगा दिया है, वो आप लगा सकते हो। आप कहीं से पिक्चर ले लीजिए, कट कर लीजिए, उसको पेस्ट कर लीजिए, उसमें ज्यादा डिफिकल्ट क्या है। उसके बाद से आप अपने असाइनमेंट का नाम लिखेंगे, कितने कौन सा असाइनमेंट है वो लिखना है, सुंदरवन बीएड कॉलेज था तो इस तरह से उसने डिजाइन लिया है, लिखा है, तो आप अपने तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। बस इतना ही करना है फ्रंट पेज में, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबमिटेड किसको करना है, अपना नाम लिखना है, बस यही है।
सो फ्रेंड्स, ये आपके डिमांड पर ये जो है वीडियो लाया गया है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैम फ्रंट पेज को डेकोरेट करने के लिए बताइए, तो इसी तरह से आपको करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।